नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में राजकीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पटना के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी पार्क नंबर 2 कंकड़बाग में आयोजित समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंती समारोह में वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधि मंत्री शमीम अहमद, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह समेत कई विधायक, विधान पार्षद और कई गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आरती पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत एवं देशभक्ति गीतों की भी प्रस्तुति दी गई। भागलपुर में एक बार फिर से बर्ड फ्लू वायरस के कारण जिले में दहशत का माहौल हो गया है। बताया जा रहा है कि भागलपुर के वैयारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 का केस मिला है, जिसके बाद प्रशासन समेत आम लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी, SSP और संबंधित विभाग की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए जरूरी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। इधर एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस से बीमारी को फैलने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट परिक्षेत्र को केंद्र मानकर इसके 1 किलोमीटर की परिधि में संचालित तमाम पोल्ट्री फार्म के मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख, चूजा और सभी पक्षी पालकों के यहाँ से सभी पक्षियों और मुर्गियों को पकड़कर उन्हें मारने और ज़मीन में गाड़ने का आदेश दिया गया है। वहीं इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग की ओर से वार्ड नंबर 27, 28 और 29 में अभियान चलाकर लोगों को आगाह करने के साथ ज़रूरी कवायद लगातार की जा रही है। हालाँकि इस दौरान टीम के अधिकारियों और कर्मियों को कई जगह लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। इधर विभाग के अधिकारियों के अनुसार बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए प्रशासनिक आदेश पर अब तक क्षेत्रीय कुक्कुट क्षेत्र में 10,000 चूजों को मारा गया है, जबकि हजारों मुर्गियों और मुर्गों को भी मारकर जमीन में गाड़ दिया गया है। साथ ही सभी लोगों से फिलहाल कुछ दिनों तक चिकन या अंडे को नहीं खाने की अपील एहतियातन की गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से मुर्गा और अंडे का प्रयोग नहीं करने की अपील के बाद भी कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं दिखते हैं, जो खतरे का संकेत हो सकता है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण मछली के बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ती दिख रही है। हमारा सेंटर जो है बर्ड फ्लू का, वो हमारा सरकारी जो पोल्ट्री फार्म बराड़ी में वो सेंटर हमारा, उसके 1 किलोमीटर की परिधि में जो 3 वार्ड है हमारे 28, 27, 28 और 29, उस 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी पोल्ट्री बर्ड है, कल हम लोगों ने उसका सर्वे किया और आज उसके कलिंग का काम कर रहे हैं। तो सारे पोल्ट्री बर्ड जो भी हमको मिल रहे हैं, पोल्ट्री बर्ड्स और अंडा, उनको कलेक्शन करके हमारा डिस्पोजल यार्ड वार्ड बना हुआ है, वहाँ पिट बना हुआ है, उस डिस्पोजल पिट में जो साइंटिफिक तरीका है उस तरीके से हम लोग डिस्पोज करेंगे। और जिनका भी बर्ड्स का कलिंग हुआ है उनको बाद में सरकारी मुआवजा जो है वो मिलेगा। कितना अभी तक किलिंग किया जा चुका है सर? 11,000 चूजा बोले। बिहार के जिला पदाधिकारी के चिट्ठी के अनुसार, पत्र के अनुसार 27, 28, 29 जहां पर बरारी केंद्रीय हैचरी में बीमारी आया है, वहां से 1 किलोमीटर के रेडियस में उसको हमको घेराबंदी करके वहां का मुर्गी को पकड़ के किलिंग करना। कितना जगह किए हैं अभी? अभी हम लोग 27 कर चुके हैं, 28 में कर रहे हैं। विरोध भी लोग कर रहे हैं? हाँ, विरोध तो भयंकर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम आप उनको मुर्गी पालक को कह रहे हैं कि अगर आदमी में फैल जाएगा ये बीमारी तो मुर्गी पालने वाला कहाँ रहेगा, इसीलिए पहले मुर्गी को समाप्त कर दीजिए, बीमारी समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः 4 महीना 5 बाद आप। पीरपैंती प्रखंड के ऋषिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शामपुर गांव में भीषण आग लगने से लगभग 2 से 3 दर्जन घर जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि किसी तरह से एक घर में आग लगने के शोर मचते ही कई ग्रामीण आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तेज हवाओं से आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों के द्वारा उस पर काबू कर पाना संभव नहीं हो सका। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मुख्य प्रतिनिधि रविशंकर सिन्हा उर्फ कंचू राम ने घटना की जानकारी ऋषिपुर थाने को दी। इसके बाद दलबल के साथ थानाध्यक्ष सुधांशु शेखर 3 अग्निशमन वाहन और कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इधर अग्निशमन टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 30 से 35 घर जलकर राख हो चुके थे। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में 13 बकरियां और 4 से 5 गाय भी आग में झुलस गई। वहीं इस घटना के बाद तत्काल मुख्य प्रतिनिधि रविशंकर सिन्हा उर्फ कंचू राम ने पीड़ित परिवार को सूखा
का राशन मुहैया कराया और प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को जल्द ही उचित मुआवजा दिलवाने की बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के भागलपुर दौरे पर उनसे मिलने के लिए जिला अतिथि गृह में पार्टी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री से भागलपुर के सांसद रह चुके शहनवाज हुसैन का स्वागत भूखे देख कर किया। वहीं इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से लोगों की हो रही मौत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिहार में शराब बंदी है, लेकिन फिर भी जहरीली शराब से बिहार में लगातार मौत होने का सिलसिला जारी है, जो काफी दुखद होने के साथ राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करती है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है, इसका समर्थन भाजपा ने भी किया था, लेकिन इस तरह की मौत के तांडव और लापरवाही के लिए समर्थन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आखिर नकली शराब बिहार में घुसती कैसे एवं कहां से है और इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। भाजपा नेता ने जहरीली शराब से मरने वालों का जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर तथ्य को छुपाने का आरोप सरकार और उनके नुमाइंदों पर लगाया। साथ ही कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए और सच्चाई को छिपाकर बिहार सरकार गलत काम कर रही है। देखिए, शराबबंदी बिहार में लागू है। भारतीय जनता पार्टी ने भी शराबबंदी का समर्थन हमने किया था, लेकिन मौत के तांडव का समर्थन नहीं किया था। ये क्या हो रहा है? लोगों की जिंदगी जा रही है। आखिर नकली शराब बिहार में घुसती कैसे है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और जो लोग इसमें जिनका देहांत हुआ है उनका जबरदस्ती अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, तथ्य को छुपाया जा रहा है और छोटे अधिकारी इसमें नपरे हैं और बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो रही। भागलपुर तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत सेंट्रल जेल रोड में बीती देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक कार हादसे का शिकार होकर पलट गया और पास की दीवार से टकरा गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में कार के पलट जाने से उस पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और कार में जगह जगह खून के धब्बे दिखाई दिए। हालांकि घटना के बाद दोनों लड़के वहां से घायल अवस्था में फरार हो गए, जिसके कारण पुलिस को कार सवार की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं इसके बाद पुलिस आगे की कार्यवाही करते हुए कार को क्रेन की मदद से थाने ले गई। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस: सूजागंज, नियर इंदारा स्टेशन रोड, भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर पिपैती ऋषिपुर थाना परिसर में नवपदस्थापित थानाध्यक्ष सुधांशु शेखर की अध्यक्षता में ईद उल फित्र त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान शांति समिति के सदस्यों के दौरान नवपदस्थापित थानाध्यक्ष को अंग वस्त्र देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद लोगों ने अपने इलाके की समस्याओं से थानाध्यक्ष को अवगत कराया। वहीं बैठक में थानाध्यक्ष सुधांशु शेखर ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हर जरूरी पहल करने की बात कही और लोगों से भी
ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की। थानाध्यक्ष ने कहा कि बिहार झारखंड सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण शराब की तस्करी करने वाले पर सख्त नकेल कसी जाएगी, जबकि क्षेत्र में अपराधियों पर कड़ी नजर रखते हुए दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मौके पर आचार्य माई डी महाराज, जिला परिषद सदस्य परवेज आलम, उप प्रमुख प्रतिनिधि राकेश कुमार, मुखिया लाल मुनी शाह, मोहम्मद नियाज सहित शांति समिति के कई सदस्य और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर में निर्माणाधीन फोर लेन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको लेकर कई बार विवाद की स्थिति भी बन जाती है। वहीं इसको लेकर रविवार को स्थानीय लोगों द्वारा फोर लेन के निर्माणाधीन काम को रोककर मुख्य मार्ग पर आवागमन को बाधित कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाथनगर किशनपुर दिखी करेला से भातुवाचक नफटोलिया गुड्डी कुमरत कजरेली जाने वाले रास्ते के बीच बन रहे फोर लेन के बीच लोगों ने ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग की। इसको लेकर ग्रामीण श्याम यादव ने कहा कि उन लोगों का खेत रोड के पार है और फोरलेन निर्माण के बाद उन सभी को खेत आवागमन में परेशानी होगी, इसलिए वे सभी सरकार और प्रशासन से अंडरपास या ओवरब्रिज के निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण सदानंद यादव ने कहा कि इस जगह बाईपास पर कई बार लोग सड़क हादसे के शिकार हो चुके हैं और यहाँ फोरलेन में अंडरपास या ओवरब्रिज बना दिया जाए तो आसपास के लोग सड़क दुर्घटना से बच सकते हैं। इधर हंगामे की सूचना पर मुंगेर मिर्जा चौकी फोरलेन पैकेज 3 का निर्माण करा रही कंपनी मोंटे कार्लो के जीएम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। इस दौरान जीएम कर्णेश कुमार तिवारी ने कहा कि ग्रामीण मुख्य सड़क पर सीधा आने की बात कर रहे हैं, जबकि लोगों के आवागमन के लिए सर्विस रोड दी जा रही है, लेकिन फिर भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। साथ ही जीएम ने कहा कि इस मुद्दे पर NHAI से बात की जाएगी, जिसके लिए 15 दिनों का समय लिया गया है। साथ ही कहा कि अगर उन लोगों की इस कार्य के लिए परमिशन मिल जाती है तो इस पर आगे काम किया जाएगा। दिक्कत है यहाँ आम जनता को, पूरा 50 बस्ती को दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये ओवर ब्रिज चाहिए, या तो अंदर से हमको पुल जा दे दीजिए, ऊपर से अपना रोड ओवर ब्रिज बना लीजिए। क्या समस्या क्या हो रही है? अगर नहीं है एक्सीडेंट बराबर हो रहा है, 50-100 एक्सीडेंट हुआ है यहाँ। मेरा 2 व्यक्ति एक्सीडेंट घर में पड़ा हुआ। सदानंद यादव, बकरी नेमना सर सबके खेत से इन्ने घर से इन्ने बाल बच्चा गरीब रोड अभी की करी लो काम करी नाला बन रहे नाला बन रहा रोड बंद करी लो की मांग करे जो हमरा चाहिए ओवर ब्रिज। लोगों को क्रॉसिंग के लिए मांग कर रहे हैं, जो हमारा इनको रास्ता जो दिया है वो सर्विस रोड से दिया हूँ, ठीक है। ये मेन कैरेज पे आने की बात कर रहे हैं, मेन कैरेज पे एक्सीडेंटल पॉइंट होता है गाँव का, जो हम नहीं दे सकते। सर्विस रोड इसी इन्हीं लोगों के लिए दिया गया है कि सर्विस रोड पे लोग चढ़ेंगे, फिर यूपी के अंदर से घुस कर फिर ऊपर चढ़ेंगे। डायरेक्ट हम जंक्शन देख के यहाँ पे चढ़ा नहीं सकते। तो अभी किस आश्वासन पर ये लोग माने सर? किस आश्वासन पर? ये NHAI से बात करेंगे ये लोग, ठीक है, भारत सरकार से बात करेंगे। अगर वो बोलता है हमें डाई डिजाइन के अनुसार की यहाँ जंक्शन बना सकते हैं तो फिर हम लोग आगे बनाएंगे। नाथनगर प्रखंड के शंकरपुर पंचायत में बीते 11 अप्रैल को अचानक आग लगने के कारण 10 परिवार के लोग बेघर हो गए थे, जबकि इस घटना में उन सभी परिवार के घर का सारा सामान और नगद रुपया भी आग में जलकर राख हो गया था। वहीं इसको लेकर जदयू नेता पप्पू मंडल अग्नि पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे और बेघर एवं बेसहारा हो चुके अग्नि पीड़ित परिवार के बीच सूखा राशन, कपड़ा, पॉलिथीन समेत कई जरूरी सामग्रियों का वितरण किया। साथ ही उन्होंने सरकार के स्तर से भी मदद दिलाने के लिए पहल करने का आश्वासन लोगों को दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।